ओके okay, तो जिस श्योर शॉर्ट के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो श्योर शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस हैं अगर यहाँ पे क्रिएट होता है वो श्योर शॉट तो यहाँ पे जो है मैं आपके सामने लाइव ट्रेड प्लेस करने वाला हूं यहाँ पे जो मैंने एक स्ट्रॉन्ग एस एनआर लेवल ड्रॉ किया है ये कैंडल को जो है ग्रीन में क्लोज होना है और एस एनआर लेवल के क्लोज होना है तो हम पुट के लिए एक ट्रेड प्लेस करेंगे ओके okay. तो जैसा कि हम चाह रहे थे वैसा ही हुआ और मैंने यहाँ पे जो एक वन थाउजेंड डॉलर की एक ट्रेड प्लेस की है वो भी पुट के लिए और मेरा ये शॉर्ट शॉर्ट इतना भाई इतना ज़्यादा जो मुझे प्रॉफिट दे चुका है आज तक कि इसने मेरी पूरी लाइफ चेंज करक, करके रख दिए तो यही शॉर्ट शॉट आज जो है आप लोगों के सामने भी मैं रिविल करूंगा तो आप लोग भी अगर इस शॉर्ट शॉट को सीख लेते हो मेरे भाई तो आप अपना लॉस रिकवर करने वाले हो अपनी लाइफ चेंज करने वाले हो आपने अभी तक जितना भी लॉस किया है वो सारा का सारा रिकवर कर लोगे और जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ठीक है और हाँ आप में से जो भी लोग दस दस का जो आपके बेस्ट टेन कमेंट्स रहेंगे उनको जो है मैं रिस्क फ्री कोर्स दूंगा तो आप लोग कोशिश कर रहे कि आपको जो है बेस्ट कमेंट रहे ताकि मैं आपको रिस्क फ्री कोड दूं और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जहाँ पर मैं कंपाउंडिंग भी करवाता हूँ और डेली शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स भी देता हूँ तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है फिलहाल आप मेरी ट्रेड देख रहे होंगे जो कि मैंने जिस शॉर्ट शॉर्ट के बारे में बताने वाला हूं उसी के बेसिस पे यहां पे प्लेस किए वन थाउजेंड डॉलर की और जो कि मेरे बिल्कुल Oh, ah, okay. ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है और अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो कौन सा श्योर शॉट है जिसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लेस की थी जो कि 1000 डॉलर की ट्रेड थी पुट के लिए और ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है तो चलो चलो अब आती है बारी कि वो श्योर शॉट है कौन सा जिसपे मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है छापा है और अब आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इस श्योर शॉट से पैसा कमा सकते ओके तो सबसे पहले इस श्योर शॉट को ढूंढने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा यहां से यहां तक मार्केट का ट्रेंड कौन सा था डाउन ट्रेंड था यहां से ये चीज आपको पता चल गई तो अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम पुट के लिए ट्रेड लेंगे ऐसा नहीं है कि हमें पता चल गया डाउन ट्रेंड है तो कहीं भी पुट के लिए ट्रेड लेंगे ये यह यहां पे जो चांसेस आप बने थे अभी जो वो मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैं इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद भी यहां कर सकता था लेकिन मैंने इस पर नहीं किया, किया। ट्रेड करोगे तो आप भी हंड्रेड विन रहोगे ओके तो चलो यार तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखा ट्रेंड अब ट्रेंड के बाद देखना है मुझे एस लेवल्स अगर आपको एस लेवल्स ड्रॉ करने नहीं आते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है आप वहां से

बाउंस बैक किया था तो इससे ये चीज तो हमें पता चल गई कि भाई यहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि यहां पे एस लेवल जो कि मतलब यहां पे एस लेवल हमारी जो है कैंडल्स हमारी रिस्पेक्ट कर रही हैं ठीक है ओके तो यहाँ पे देन इसके बाद मैंने क्या देखा यहाँ पे ये वाली कैंडल आई थी तो मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लेस की थी एक या दो ट्रेड यहाँ पे भी प्लेस की थी बट यहां पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था इसके पहले कि आप यूरो जीबीपी की ट्रेड्स देख सकते हो वो मैंने इसी कैंडल पर ट्रेड प्लेस की थी क्योंकि मुझे पता था इसके बाद जो है रेड कैंडल बनेगी तो उसके बाद ऐसा ही हुआ ये रेड कैंडल बनी और हमने जो है ट्रेड प्लेस की थी यूरो जीबीपी की तो हमने ये ट्रेड भी बिन की तो मैंने वो रिकॉर्ड

हमारा एस एन आर लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको कैंडल रिस्पेक्ट करे ही करे स्ट्रांग होने के साथ साथ और आपका ये शॉर्ट शॉर्ट भी क्लियर होगा तो आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जाएगी ही जाएगी आपको प्रॉफिट करने से कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है तो ओके तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने जो है हमारे एस एन आर लेवल को जो है रिस्पेक्ट किया और एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रिस्पेक्ट किया यहाँ पे देखिए इसकी पीक ये देख रहे होंगे आप ये कैंडल जहाँ तक गई थी वहाँ से नीचे क्लोज हुई अगर ये वाली ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती तो हम पुट के लिए ट्रेड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे एस एन आर लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करते सेम चीज यहाँ पे भी हुई इसने हमारे एस एन आर लेवल को रिस्पेक्ट किया बट इसकी जो बॉडी है हमारे एस एन आर लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई अगर ये ऊपर क्लोज होती तो हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेते हम फिर किसी और और पेयर पे चलते लेकिन जो है यह हमारे अ uh, बोलते हैं एस लेवल के नीचे क्लोज हुई तो हमने जो है एक पुट के लिए ट्रेड लगाई और ये ट्रेड को विन किया तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रही है कैंडल क्या कर, क्या नहीं कर रही है और अभी आपको एक चीज और बता दू ये वाली जो कैंडल थी इसके बाद मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड की कर्सर पे थोड़ा ध्यान देना और वीडियो को थोड़ा गौर से देखना और अगर समझ में ना आए मेरे भाई तो प्लीज यार वीडियो को दोबारा देख लेना क्योंकि अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है और आप कोई भी पॉइंट मिस कर देते हो तो तो मेरे भाई लॉस लॉस के के बजाय बजाय आपका आपका सॉरी प्रॉफिट होने वाला है तो मैं नहीं चाहूंगा आपके साथ ऐसा हो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझो अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर वीडियो को दोबारा देख लो ओके तो यहां पर मैं बात कर रहा था इस वाली कैंडल की इस वाली कैंडल के बाद ये जो ग्रीन है अब इसने भी तो हमारे ऐसा लेवल को रिटेस्ट किया था बट यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड नहीं लगाई क्यों नहीं लगाई क्योंकि इसकी विक्स पे अगर आप एक बार ध्यान दें तो इसकी विक्स साफ साफ बता रही है कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है यहाँ पे बायर्स बैठे हुए तभी तो जो है इतनी बड़ी कैंडल उनने बनाई थी भले ही बाद में सेलर्स से इसको नीचे ले आए लेकिन यहाँ पे बायर्स थे और बायस में इतनी पावर थी कि उन्होंने इतनी बड़ी कैंडल बनाई तो अब इतनी बड़ी विक्स बनने के बाद हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि बायर्स जीतेंगे यहाँ पे या फिर सेलर्स जीतेंगे और यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी तो मैंने क्या सोचा कि एक बार वेट करके देख लेता हूँ अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और हमारे एस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो मैं जो है नेक्स्ट पुट के लिए ट्रेड करूंगा अगर ये वाली ग्रीन बनती है और इसको ब्रेकआउट दे देती है या फिर रेड बन जाती है तो हम इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड ट्रेड नहीं करेंगे तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लेस की डाउन के लिए अब यही सेम चीज होती है जब आपको ग्रीन कैंडल पे ट्रेड प्लेस करनी होगी अभी मैंने आपको डाउन ट्रेंड का तो बता दिया कि आपको डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना था अभी मैं आपको ले चलता हूं किसी और पेयर पे और आपको बताऊंगा कि आपको अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है और आप जो है हंड्रेड विन हो गए ही होगे ठीक है ओके तो यहां पे आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा और अप ट्रेंड दिखाई देने के साथ साथ आपको एस एन कुछ इस तरीके से रट जानी चाहिए कि आपको देखते ही चार्ट देखते ही पता चल जाए कि भाई यहाँ पे एक एस लेवल है ही है ओके okay, तो लाइक like यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही परफेक्ट एस लेवल हमारा क्रिएट हो रहा है क्यों हो रहा है देखिए मार्केट ने यहां से बाउंस बैक किया यहां से बाउंस बैक किया और मार्केट ने फिर से यहां पे भी रिस्पेक्ट किया तो यहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था और मार्केट ने फिर इसको ब्रेकआउट दे दिया हमारे एस लेवल को तो हमें वेट था किस चीज का कि अब जब कैंडल आएगी तो हमारे इस एस लेवल को रिटेस्ट करें और इसने ऐसा ही किया और कैंडल एक नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि बड़ी कैंडल हो अब जैसे कि ये बड़ी कैंडल है ग्रीन वाली तो इसको हम कोई भी कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है इस पर ट्रेड नहीं करेंगे और अभी मैं जो है अब ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो अब ट्रेंड में हम किस कैंडल की ट्रेड ट्रेड करेंगे हम अभी ग्रीन कैंडल की ट्रेड करेंगे इससे पहले जो मैं समझा रहा था वहां हम जो है रेड कैंडल के लिए ट्रेड कर रहे थे लेकिन अभी जो है अब ट्रेंड चल रहा है तो हम जो है ट्राई करेंगे ट्राई क्या करेंगे हमें 100 जो है, ग्रीन पे ही करना है, है? आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे फिलहाल मैं इसी एग्जाम्पल पे बात करता हूं जैसा कि मैं बता रहा था यहाँ पे आपको एक रिस्पेक्ट दिया एक बार ए, मतलब एस एन आर लेवल पे यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट हुआ और यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट हुआ तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो एस एन आर लेवल है वो बहुत ही तगड़ा है और वो बहुत ही पावरफुल है अगर यहाँ पे कैंडल आई तो कैंडल को यहाँ से वापस फेंकने से कोई नहीं रोक सकता तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट अप ट्रेंड में था और यहाँ से मार्केट डाउन आया हमने वेट किया कि एक बार ये हमारे एस एन आर लेवल से टकरा जाए और हाँ अगर ये टकरा जाए लेकिन और ये वाली राइट कैंडल हमारे एस लेवल को ब्रेकआउट दे दे नीचे की ओर तो सॉरी ब्रेकडाउन दे दे नीचे की ओर तो हमें जो है फिर ट्रेड नहीं करना है फिर हमें वेट करना है या फिर किसी और पेयर पे चल देना है ठीक है लेकिन यहां पे क्या हुआ यहां पे जैसा कि हम चाहते थे वैसा ही हुआ यहाँ पे इस वाली डाउन जो है रेड कैंडल ने हमारे इस SNR लेवल को रीटेस्ट किया और इसके ऊपर ही क्लोज हुई अब इसके ऊपर क्लोज हुई तो हमने जो है अगर इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस की इस वाली ग्रीन कैंडल पर कर्सर पर थोड़ा ध्यान देना इस वाली ग्रीन कैंडल पर अगर हमने ट्रेड प्लेस की तो हमारी ट्रेड जो है हंड्रेड विन होने वाली है ठीक है ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स जो है अभी मैं आपको देने वाला हूं और आपके कई

यहाँ पे देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस एन आर लेवल है आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे डॉजी बनती है तो जहाँ पे डॉजी बनती है वहाँ पे एक हमारा स्ट्रॉन्ग एस एन आर लेवल क्रिएट होता है अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है और ये हमारे एस एन आर लेवल को टच करती है और इससे नीचे ही क्लोज होती है तो हम एक पुट के लिए ट्रेड करेंगे हंड्रेड परसेंट के लिए ठीक है थोड़ा सा वेट करना अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है और हमारे इस एस एन आर लेवल को टच करती है और इसको ब्रेकआउट नहीं करती है तो हम यहाँ पे पुट के लिए ट्रेड करने वाले हैं हंड्रेड परसेंट के लिए ओके तो अभी तो फिलहाल ये कैंडल रेड में है अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है तो हम जो है यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं ओके अभी 20 सेकंड बचे हुए हैं 19 सेकंड्स बचे हुए हैं 18 सेकंड्स बचे हुए हैं लाइक like, कुछ इसी तरीके से हमें वेट करना है और पेशेंस के साथ ट्रेड करना है अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करते रहोगे तो मार्केट में बने रहोगे ओके अभी हमें वेट है ग्रीन तो बन चुकी इससे बस टच हो जाए एक बार ओके ओके टच 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 लाइक 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 नो 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 तो हम यहाँ पे ये ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे ये ट्रेड हमारी वैसे तो अभी 80% परसेंट तो बन चुकी है कि विन हो सकती है लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इस वाली कैंडल ने हमारे एस एन आर लेवल को टच नहीं किया है इसके ऊपर एक और एस एन आर लेवल है जो कि मैंने अभी बताया था आपको वो ये वाला ये डॉजी कैंडल वाला और हमारे लिए एक एस एन आर लेवल इसके नीचे वाला भी था अगर ये वाली कैंडल ये वाली ग्रीन कैंडल इस वाले एस लेवल को टच करती तो हम जो है पुट के लिए ट्रेड करते बट अभी इस कैंडल ने इसको टच नहीं किया है तो ये वाली कैंडल इस गैप को फिल करेगी तो अगर ये अगर थोड़ा सा भी गैप यहाँ पर रह जाता तो हमें पुट के लिए ट्रेड नहीं करना है अभी आपको समझ में आ चुका होता होगा कि यहाँ पर हमें कितनी चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रखना है फिर जो है जाके ट्रेड प्लेस करना है ठीक है अगर हम यहाँ पर अभी ट्रेड प्लेस करते तो हमारी ट्रेड लूज़ हो जाती और आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या सोचोगे कि भाई थोड़ा सा ही तो गैप बचा है इतना ही तो गैप बचा है इतने का क्या ही वेट करना लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपको एक बाल बराबर गैप को भी ध्यान में रखना है क्योंकि वो गैप आपको आपका पूरा पैसा लेके जा सकता है और आपको जो है लॉस में ला सकता है ठीक है तो कुछ इसी तरीके से आपको ध्यान में कुछ चीज़ें रखना है कुछ और एग्जाम्पल्स बता देता हूँ ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो सकें ठीक है मार्केट को ध्यान में रखना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में होगा तो हमें डाउन के लिए ट्रेड जो है रेड कैंडल के लिए ट्रेड ढूंढनी है और अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हमें जो है ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ढूंढनी है ठीक है अभी तो फिलहाल इस वाले पेयर में तो कुछ नहीं है ओके अभी मैं यूएसडी जेपी बाई के पेयर पे आ चुका हूँ लाइक like यहाँ पे आप देख पाए तो यहाँ पे हमारे एक शॉर्ट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई थी और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट शॉर्ट मिस कर दिया है अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते अभी मैं आपको बताता हूँ मार्केट देखिए अप ट्रेंड में था मार्केट अप ट्रेंड में होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये वाली जो कैंडल्स हैं ये वाली जो कैंडल्स हैं ये वाली कैंडल ने यहाँ पे एक एस लेवल क्रिएट किया है और इस वाली मतलब आप ट्रेंड ने इसको ब्रेकआउट दिया है ठीक है इसको ब्रेकआउट दिया अब हम वेट कर रहे थे कि ये वाली जो रेड कैंडल क्रिएट हो रही है एक बार हमारे इसको रिटेस्ट करें और रिटेस्ट करने के बाद आपने देखा जैसी इस वाली रेड कैंडल ने इस वाली रेड कैंडल ने इस वाले एस लेवल को रिटेस्ट किया और हमने जो है ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड की तो हमारी ये ट्रेड विन हो जाती थोड़े से हम लेट हो गए थे नहीं तो मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव ट्रेड प्लेस करता और हम यहां पे जो है ट्रेड विन भी करते ठीक है तो आपको कुछ यही चीजें ध्यान में रखनी है और ये शॉर्ट शॉर्ट आपको इतना पैसा कमा के

वीडियो पे एक प्यारा सा कॉमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करो उन वीडियोस को भी आप वॉच वॉच कर लो ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आप मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम